फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एरिक जेमोर पर कैंपेन के दौरान फेंके गए अंडे। फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता एरिक जेमोर पर दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के मोइसाक में कैंपेन के दौरान अंडे फेंके गए। हमले के दौरान एरिक जेमोर कार से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जेमोर ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपना नाम की घोषणा की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एरिक जेमोर से पहले एक शख्स कार से उतरता है और बाहर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खोलकर एरिक उतरते हैं। इस दौरान बाहर मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति एरिक के सिर पर अंडा फोड़ देता है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे काबू में कर लेते हैं। आपको बता दें कि एरिक का विवादों से नाता रहा है। उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके बयान ने एक विवाद का रूप ले लिया था। एरिक ने बयान में बताया था कि कैसे दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में शिक्षित किया जाना चाहिए। स्थानीय समाचारों की रिपोर्ट के अनुसार अंडा फेंकने वाला बच्चा दिव्यांग है। एरिक ने बयान में कहा था कि दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूल के बजाय स्पेशल स्कूलों में शिक्षित किया जाना चाहिए। एरिक ने टीचर्स के ग्रुप को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।